है? गला दबाने वाले का फोन आ गया। बॉस का? हाँ। ऐसा तो नहीं, मुझे ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। अरे अभी अटकले लगाना छोड़िए और फोन उठाइए। जी जी बॉस। भाई एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। किधर भी गड़बड़ हो गई है? तुम्हारे यहाँ भी गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि किधर गड़बड़ हुई है सर? अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल कर दूं? अरे नहीं नहीं यार, शुभ शुभ बोल। बड़े गुरुजी से मीटिंग कैंसिल क्यों करवा रहा है? अभी ने तो कहा कि गड़बड़ हो गई है। अरे भाई गड़बड़ हुई है, पर इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है कि बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जावे। क्या हुआ है बॉस? भाई हुआ ये है कि देखो, पहले मैं वरुण के साथ तुम्हारे घर पे आने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे प्लान में चेंज हो गया। मतलब वरुण जी नहीं आ पा रहे? एक काम करते, बड़े गुरु जी का मीटिंग कैंसिल करते। अरे यार शांति रख यार, वो आ रहा है भाई, वो आ रहा है। देखो ऐसा है कि पहले मैं वरुण को अपने साथ तेरे घर पे लेके आने वाला था, लेकिन अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी वरुण डायरेक्टली होटल से तेरे घर पे अपने आप आएगा। इसमें क्या गड़बड़ हुई है सर? अरे यार गड़बड़ ये है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ पर मेट्रो का बहुत बड़ा काम चल रहा है यार। इतना ट्रैफिक जाम है, मैं टाइम पे आ ही नहीं पाऊंगा यार। इसलिए वरुण मेरे से पहले ही तेरे घर पे पहुँच जाएगा। वो शार्प 11 बजे तेरे घर पे पहुंच जाएगा, हो सकता है उससे भी पहले पहुंच जावे। तो तू उसको अच्छे से रिसीव कर लेना, ओके? जी जी जी। तेरा वो सेक्रेटरी है ना, ओके, भीड़े भीड़े, उसे तू रखना यार, वो बहुत बोर करता है, उसे तू रखना। ऐसा ना हो कि उससे बोर होके वरुण भाग ही जावे। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और तेरा वो है ना वो पत्रकार दोस्त जो खुद के लिए रिश्ते ढूंढता है, कुमारा लाल नहीं सर, पोपटलाल। पोपटलाल, उससे भी वरुण को दूर रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। अगर बड़े गुरुजी आ जाएं और मैं ना पहुंच पाऊं, तो अच्छे से वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा देना। और याद रखना, वरुण की आज 4 बजे की फ्लाइट है, वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा वहां पर। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वरुण की 4 बजे की फ्लाइट। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बड़े गुरुजी भी टाइम के बहुत पक्के हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, बड़े गुरुजी बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी एकदम टाइम का पक्का हूँ, फिर तो एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तू सुन, तू ठीक 10:45 बजे अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाना वरुण को रिसीव करने के लिए, नहीं वरुण इधर उधर ना हो जावे। उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर ले, नंबर है 2203। मैंने रख लिया, नंबर है 2203। गुड गुड, बाय 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 बाय। ये मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे। ऐसा हो गया कि 11 बजे से पहले वरुण आ गया और चाचा जी तब तक नहीं आए तो? तारक थिंक पॉजिटिव, वरुण चाचा जी से पहले आ जाएंगे। मतलब चाचा जी वरुण से पहले आ जाएंगे। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 11 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा। 44 हो गए। पक्का तेज चल रही है। हां जी, ये घड़ी तेज चल रही है। अभी 10:44 हुए थे और इतनी जल्दी 10:45 हो गए। घड़ी बार-बार देखने से वक्त रुकने नहीं वाला है। लेकिन चाचा जी कहां रुक गए? अब तक आए क्यों नहीं? आपको कैसे पता वो अब तक नहीं आए? आप तो कब से यही है। हां, मैं देखकर आता हूं कि चाचा जी घर पे आए हैं। अभी जा रहे हैं ना? चाचा जी आ गए हो तो अच्छा है, अगर नहीं आए होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टप्पू, चाचा जी आ गए क्या? नहीं दादाजी तो अभी तक नहीं आए। अरे लेट हो गए, हो गई गड़बड़। डोंट वरी मैं तंगल, दादाजी भी पहुंचते ही होंगे। लेकिन हुआ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। चाचा जी को आने में लेट हो गया और वरुण कभी भी आता होगा। चाचा जी ने बुरी तरह से फंसा दिया। अगर वरुण और चाचा जी एक ही टाइम पे सोसाइटी में आ गए तो उनका आमना सामना हो गया तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता।
अब्दुल की दुकान पे जाके देखता, अगर वरुण और चाचा जी एक ही टाइम पर आ गए ना तो चाचा जी को वहीं छुपा दूंगा मैं। दादा क्या कर रहे हो बेटे, ऐसे कोई डराता है क्या? अरे मैं मस्ती कर रहा था। पूरा दिन बच्चों को बोलते रहते हो कि मस्ती नहीं रहो, और खुद बच्चों की तरह मस्ती कर रहे हो। हाँ ठीक है बेटा, सब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? सब ठीक है ना? क्या बताऊं भिड़े, टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे सर पे। क्या हुआ बेटा साहब? बस जाने दीजिए ना माधवी भाभी, बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है सुनाने का। तो शॉर्ट में बता दीजिए ना। हाँ अगर आप नहीं बताएंगे तो दिन भर हम टेंशन में रहेंगे कि क्या हुआ पापा, तो बता दीजिए ना क्या हुआ। आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस से और हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट मल्होत्रा साहब के बेटे वरुण से मिलाना था। ओ, और चाचा जी ने बड़े गुरुजी बनने से मना किया होगा? चाचा जी तो मान गए बड़े गुरुजी बनने के लिए। अरे, तो फिर क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि चाचा जी सुबह से मंदिर गए और अब तक आए नहीं, और वरुण के आने का टाइम हो गया। अरे देवा, और चाचा जी कहीं उसी टाइम आ गए तो? वही तो टेंशन है, इसलिए अब्दुल के दुकान पे जा रहा था। आने नहीं, जाइए जाइए, सोडा पीने से टेंशन दूर हो जाएगा, जाइए। अरे नींबू सोडा पीने नहीं भिड़े, उन दोनों का आमना सामना ना हो इसलिए जा रहा था। नींबू सोडा खाते रहे। ओ, अच्छा अच्छा, मेहता साहब आप बोलो तो मैं रुक जाता हूँ, माधवी अकेले जाके डिलीवरी करके आएगी। नहीं माधवी भाभी, नहीं आप माधवी भाभी के साथ जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। पक्का ना मेहता साहब? हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब, ये गड़ा परिवार का सदस्य जहाँ भी इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे गड़बड़ होती ही है। चला घर ही जाओ यार, गप्पा मारू यार मस्त सभी की गड़ा परिवार विषय। जाओ यार जाओ, काय लगे बोला जी, गरज नहीं है। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। गडा इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्चिंग दिस धनतेरस, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। ये तो गजब हो गया, छोड़ूंगा नहीं मैं चेटाला को। संभल के बबी दाजी। छील छील रिलैक्स। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।